खातेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की 2 अक्टूबर को बिना किसी को बताए अपने घर से कहीं चली गई थी। घर से भाग जाने के बाद वह रेशमा नाम की एक महिला के चंगुल में फंस गई थी जो सेक्स रैकेट का संचालन करती है और उसके संपर्क में और भी लड़कियां थी। रेशमा पति फिरोज खान उम्र 35 साल निवासी मोमिनपुरा थाना खजराना को मोमिनपुरा उसके घर से पकड़ कर लाया गया है और रेशमा के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना खातेगांव में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस थाना खातेगांव पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्य प्रकाश शर्मा और थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामले की विवेचना के दौरान लड़की के मोबाइल नंबर के आधार पर अपहर्ता की तलाश ग्राम निपानिया लीला आलोट जिला रतलाम में करके अपहर्ता वैष्णवी गोपाल पिता रघुनाथ सिंह राजपूत के यहाँ मिली। दोनों को खातेगांव थाना लाया गया। पूछताछ के दौरान लड़की ने खुलासा किया कि घर से भाग जाने के बाद वह रेशमा नाम की एक महिला के चंगुल में फंस गई थी जो सेक्स रैकेट का संचालन करती है और उसके संपर्क में और भी लड़कियां थी जो भी सभी मौका पाकर भाग गई, जिससे वह कई महीनों से अनैतिक देह व्यापार करवा रही थी। फिर एक ऑटो वाले की मदद से वह उनके चंगुल से छूटकर भागी और पूर्व परिचित गोपाल को फ़ोन करके उज्जैन बुलाकर बालिग होने के बाद उससे शादी की। अपहर्ता के बताए अनुसार रेशमा पति फिरोज खान उम्र 35 साल निवासी मोमिनपुरा थाना खजराना को मोमिनपुरा उसके घर से पकड़ कर लाया गया है। जो पूछताछ में उसने बताया कि हाँ यह काम वह 3 साल से कर रही। रेशमा द्वारा एक नाबालिग लड़की और अन्य लड़कियों के साथ देह व्यापार कराया गया, सेक्स रैकेट का संचालन किया गया, जो रेशमा के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। जी सर, 2 अक्टूबर 2019 को थाना खातेगांव में एक अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में जब इसमें विवेचना की गई और जब वो नाबालिग लड़की दस्तयाब हुई तो थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उनने जब उसमें ठोस पूछताछ किया तो ये बात सामने आई कि रेशमा खान नाम की एक इंदौर की महिला जो है उसके साथ गलत काम धंधे में उसको वो की थी और एक गणेश खटूरे नाम का एक व्यक्ति भी उसमें संलिप्त पाया गया था। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में आगे भी पूछताछ जारी कर रहे हैं और जो भी इसमें शामिल होगा सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा घटना आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। घटनाक्रम में अभी कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सर नाम बताए खान, मैंने आपको बता ही दिया, एक गणेश खटूरे और एक रामानंद जो प्रारंभिक तौर से जिसको हमने गिरफ्तार किया। हाँ, इसमें पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो उसको गलत काम में लगाती थी। इस प्रकरण अभी विवेचना में है और इसमें और आगे हम विवेचना करके जो भी इसमें दोषी होगा उसको उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये सर वहाँ तक पहुँची कैसे, रेशमा तक पहुँची कैसे? चूँकि ये जब यहाँ से अपहरण का केस हुआ था तो वो किसी यहाँ से जब गायब हुई थी तो किसी के साथ वो रहने लगी थी, तो पुलिस की टीम जब उसको दस्तयाब किया किसी के घर से, अब बाद में जब उससे पूछताछ किया तब ये सारी बातें सामने आई। किसी में कौन का नाम है? ये जो गोपाल सिंह राजपूत जिससे उसने बालिग होने के बाद शादी की है वो उसके साथ में रहने लगी। उसने बताया कि जब मैं यहाँ से इंदौर गई तो इंदौर में मोबाइल ठीक कराने दुकान पे गई तो वहाँ पे एक मोबाइल शॉप वाले ने से वो अपनी बात बता रही कि हाँ मेरे को रहना है। उसी समय ये रेशमा नाम की महिला वहाँ आई और उससे बातचीत होने पे तो उसने कहा कि मेरे पास हॉस्टल वगैरह है, मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगी, मेरे साथ चलो। तो ये उसको लिए गई, कुछ दिन उसने अच्छे से रखा भी, लेकिन उसके बाद उसने देखा कि लड़की का कोई पूछताछ नहीं हो रही है, उसने सेक्स वाले धंधे में उसको डाल दिया और उससे पैसे वसूल करने लगी। अलग अलग ग्राहकों को बुलाती थी और उनसे पैसे स्वयं लेती थी और उसके साथ गलत काम कराती। बाद में जब उसको मौका मिला तो वहाँ से भाग गई और उसने जो गोपाल सिंह राजपूत के साथ अब वो मिली है उसको उसने फ़ोन किया, उसका पूर्व परिचित था, फिर उसने उसको लिया गया और वहाँ वो रह रही थी। सर जैसे गोपाल के साथ नाबालिग वो घर से थी गई थी तब थी। अच्छा। जब गोपाल के साथ तब तक बालिग हो गई, 3-4 महीने वो इंदौर में रही। हाँ, शादी करी है, मंदिर से शादी कर ली है उसने और अभी वो उसी के साथ रहना भी चाहती है। सर ये गोपाल कहाँ था? गोपाल रतलाम का रहने वाला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।